महाराष्ट्र में गवर्नमेंट चल रही है कांग्रेस की हिमायत से, शरद पवार जी की पार्टी की हिमायत से, शिवसेना चीफ मिनिस्टर है, जिस तरह यहां हमने रिस्क ले लिया, इसी तरह का एक करारदाद महाराष्ट्र हुकूमत अगर पास कर दे तो मैं समझता हूं कि उनके अंदर मर्दानगी दिखाई देगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस सिलसिले में हम अपनी पूरी जमीयत की तरफ से, पूरी मिल्लत की तरफ से उसी वक्त उनका शुक्रिया अदा किए थे और उसी का असर था। और फिर आज हम इस काम के लिए शुक्रिया फिर से हम एक मरतबा वजीर आला का करेंगे कि आपने एनपीआर 2010 एनआरसी नहीं होगा और जातीय आधारित होगा एनपीआर, ये काम आपने करके फिर उसके बाद इदारे शरिया झारखंड ने चढ़ाई किया और चढ़ाई करके सेम यही तजवीज झारखंड के असेंबली में भी पास करा, तो वहां भी ये इदारे शरिया पूरी ताकत से लगा रहा कि जब बिहार में उनकी मदद से सरकार चलाकर जब वो कर सकते हैं तो हेमंत सोरेन आप क्यों नहीं कर सकते हैं, आपको भी करना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह इन दोनों सूबों में आपकी जमात की जीत हुई है, आपकी नस्लों की जीत हुई है, इसलिए फिर से हम एक मरतबा शुक्रिया अदा नीतीश कुमार का करेंगे। हम अपने उलमा के साथ बैठे, उसी का असर हुआ कि पार्लियामेंट में जो साहब कहते थे कि एक इंच पीछे नहीं हटेंगे, एक इंच पीछे नहीं हटेंगे, वही साहब फिर पार्लियामेंट में कहने लगे कि एनपीआर में कोई कागज नहीं देना पड़ेगा, कोई प्रूफ नहीं देना पड़ेगा, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं देना पड़ेगा। तब गुलाम नबी आजाद साहब ने कहा कि जो मैं सुन रहा हूं सही सुन रहा हूं, है ना? तो आपके एक्शन का रिएक्शन वहां। अब वो क्योंकि वक्त भी ज्यादा हो रहा है, दो चंद लोगों की और राय अल्लामा मुख्तार साहब बस भेज रहे हैं। हर इलाके में कम से कम 5-6 इलाका, जैसे मगध हो, आपके मौलाना इमरान साहब सारण हो, उसी तरह से पूर्णिया एक कमिश्नरी हो, 3-4 जगह उस अतराफ के उलमा की इसी तरह की एक नशीस है, उसमें मैं भी कोशिश करूंगा शरीफ और उस अतराफ के लोग शरीफ। दूसरा एक ये कि फलस्तीन के की हिमायत में इसराइल के खिलाफ हम जुलूस नहीं निकाल सकते, इसलिए कि हमें पता है जुलूसों का अंजाम क्या होता, कोई ना कोई एक फुलझड़ी छोड़ देता है, नुकसान हमारा। आपने दिल्ली दंगे की बात सुनी ना, मैं देख कर आया, 62 बच्चे हमारे नुकसान हो गए साहब, 62। और जिन लोगों ने आग लगाई थी एनआरसी के नाम पर और जो खूब भाषण दे रहे थे जाकर के, आज उनमें से किसी एक का पता नहीं है। उसी का साइड इफेक्ट हुआ था ना, अगर वो वाकई हमारे साथ होते और हमारे दर्द के साथ होते तो आज वो सारे लोग जंतर मंतर पर बैठ जाते दरी बिछा करके और ये कहते कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में दिल्ली दंगे की जांच कराई जाए और 3 महीने के अंदर अंदर इसका रिजल्ट दे दिया जाए। जिस तरह से भागलपुर दंगे क्या मौलाना डॉक्टर गुलाम जिनवी साहब अभी गए है ये गवाह, उस वक्त अल्लामा मनोवर साहब हम दोनों नए नए आए थे इदारे शरिया, दोनों की रेखे निकल गई, अल्लामा की बेचैनी देखी, जान हथेली पर रख करके यहां से पटना सामान लेके जाते, 1.5 साल तक बलियाबी भागलपुर में अपने को वक्त करके रखा, लुगाई हो चंदेरी हो लाशें मैंने नहीं करवाई, इज्तमाई जनाजे मैंने पढ़े हैं साहब, लेकिन नतीजा क्या हुआ, जिसने मेरी औलादों का कत्लेआम किया
उसे सोने का मुकुट पहना दिया। लेकिन इसी जगह जब मैं उस वक्त एलजेपी का रामविलास पासवान की पार्टी का स्टेट प्रेसिडेंट था, तो लीडर होने के नाते मुझको बुलाया था 2005 में नीतीश कुमार साहब ने। उस वक्त मैंने कहा था कि जनाब एक एहसान कर दीजिए, आपने कहा हलफ लेने के बाद कि मैं इंसाफ के साथ सबकी तरक्की करूंगा, तो इंसाफ हमको नहीं चाहिए, इंसाफ पटना के लोगों को नहीं चाहिए। अगर इंसाफ देने की नीयत साफ है ना, तो भागलपुर दंगे की दोबारा जांच करा दीजिए, और जांच करा करके भाई साहब आप कुछ कर रहे हैं वो पीछे मोबाइल नहीं वो बोल दीजिए कहीं वायरल नहीं प्लीज नहीं बिल्कुल मैं जैसे ही सारे लोग हजरत उस वक्त मैंने एक बात कही थी कि अगर उन भागलपुर के मजलूमों को इंसाफ दिलाने के लिए 12 बजे रात को भी नीतीश कुमार साहब आप आवाज देंगे ना, तो मैं भूल जाऊंगा कि मैं कौन हूं और कहां हूं और किस पार्टी में हूं, सारे पत्थर की दीवार फांद करके तोड़ करके आपके बाजू में खड़ा हो जाऊंगा। उसके तीसरे दिन बाद उनका फोन आ रहा है कि मैंने काम कर दिया, और हाई कोर्ट की निगरानी में एक स्पेशल कोर्ट बैठा, और उसी कोर्ट 3 साल के अंदर अंदर उन 42 गुंडों को जिनको सोने का मुकुट पहनाया गया था, उन 42 को उम्र कैद की सजा करा दी गई और दुनिया देखते रहे। तो हम जब तक हम अपने नौजवान उलमा से उम्मीद करें थोड़ी सी आप मदद करें, और इसके लिए पॉकेट वाइज 2-3 जगह का इंतखाब कर लें, वहां नशिस्त हो सिर्फ उलमा, फकत उलमा। और जुमा, ये जुमा तो शायद बहुत करीब पड़ जाएगा, कल ही हो तो अगला जुमा, अब भी से सारे लोग जहन तैयार कर ले, और हम मौलाना मुफ्ती गुलाम हुसैन साहब शनिचर इतवार पड़ेगा जुमा शनिचर, तो उर्स की तकरीब से इस प्रोग्राम का कोई मतलब नहीं है।